दिस इज़ कविता गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू सीरीज, ये सीरीज़ है हमारी वॉकअप की, तो मैं आज आपको वॉकअप सिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, फ्रेंड्स सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितनी भी अपलोडेड न्यू वीडियो हो वो आप तक पहुँच सकें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको डेली के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी फर्स्ट वॉकअप है बिल्क, BILK, बिल्क। बिल्क मिस होता है फ्रेंड्स चीट, CHEAT, चीट। तो बिल्क का क्या मीनिंग होता है? चीट। और इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स ठगना, या फिर किसी चीज़ को कपट से लेना। सो देखिए फ्रेंड्स, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो हाउ विल यू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? सो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके लर्न करेंगे या किसी चीज़ से रिलेट करके लर्न करेंगे, जैसे कि हम हर वीडियो में सीखते आ रहे हैं अब तक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिल को कैसे लर्न करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, बी से हमने साउंड आ रही है फ्रेंड्स बीबी, तो आप सभी को पता है, वाइफ को बीबी भी कहते हैं ना, तो BI को हमने रिलेट किया है बीबी। ILK, इल्क, इल्क से फ्रेंड्स हमारी साउंड आ रही है मिल्क, दिस इज मिल्क। तो हमने बी को रिलेट किया है बीबी से, और इल्क को रिलेट किया है ILK, इल्क को हम रिलेट कर रहे हैं मिल्क से, मिल्क तो आप सभी को पता है दिस इज मिल्क। सो हमने इसको रिलेट किया है बीबी प्लस मिल्क। अब फ्रेंड्स, हाउ टू मेक अ स्टोरी टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसकी स्टोरी क्या होगी? इसकी स्टोरी ये होगी, मेरी बीबी को कोई भी मिल्क वाला ठग नहीं सकता, मेरी बीबी को कोई भी मिल्क वाला ठग नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीबी मिल्क को देखकर ही बता देती है कि इसमें पानी मिला हुआ है या नहीं। सो फ्रेंड्स, बिल्क मिस होता है, चीट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स ठगना, या फिर कपट से लेना। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, आ शॉपकीपर बिल्कड माई वाइफ यस्टरडे, एक शॉपकीपर ने कल मेरी वाइफ को क्या कर लिया? ठग लिया, बिल्क कर लिया, उससे ज़्यादा पैसे ले लिए। तो आ शॉपकीपर बिल्कड माई वाइफ यस्टरडे, कल एक दुकानदार ने, एक शॉपकीपर ने मेरी वाइफ को क्या कर लिया? बिल्कड कर लिया, मतलब उसको ठग लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही बिल्कड अस ऑफ ऑल आर मनी, उसने हम सबकी मनी को क्या कर लिया? ठग लिया। ही बिल्ड अस ऑफ ऑल आर मनी, उसने हम सबकी मनी को क्या कर लिया? ठग लिया। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्क का ऐसे यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। तो बिल्क मीन्स चीट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है ठगना, या फिर कपट से लेना। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वॉकअप है फ्रेंड्स शेंटी, SHANTY, शेंटी। शेंटी मीन्स होता है फ्रेंड्स शेड, और इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड झुग्गी, या फिर झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी। फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न दिस वर्ड, इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए SHANTY, शेंटी, शेंटी से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या साउंड आ रही है? इसकी साउंड आ रही है शांति, शेंटी शांति, शेंटी शांति। अब देखिए फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वी हैव टू मेक अ स्टोरी टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हमें यहाँ पे इसकी स्टोरी बनानी होगी। स्टोरी क्या होगी? यदि आप शांति चाहते हैं, तो आपको जंगल में जाकर एक झुग्गी झोपड़ी बनाकर वहाँ रहना होगा। सो फ्रेंड्स, शेंटी मिस होता है शेड, और इसका हिंदी मीनिंग होता है झुग्गी झोपड़ी। अब फ्रेंड्स इसके एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड लिव्स इन अ शेंटी आफ्टर द अर्थक्वेक, मेरा जो दोस्त है कहाँ रहता है? शेंटी में रहता है, एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, आफ्टर द अर्थक्वेक, किसके बाद? एक भूकंप के बाद। मेरा दोस्त भूकंप के बाद कहाँ रहता है? झुग्गी झोपड़ी में रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, हिज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन आ शेंटी, उसका जो बचपन बीता है वो झुग्गी झोपड़ियों में बीता है। उसका जो बचपन है वो कहाँ बीता था? झुग्गी झोपड़ियों में बीता था। सो ये इसके एग्जाम्पल थे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिए हैं। सो फ्रेंड्स, शेंटी मीन्स शेड, हिंदी मीनिंग झुग्गी झोपड़ी। और फ्रेंड्स, ये जो वॉकअप है हमारी, ये इंग्लिश के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा बार बार आती रहती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा दोनों वॉकअप्स को हमने कितने खेल खेल में, बिल्क और शेंटी, दोनों वॉकअप्स आज
आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी। और फ्रेंड्स ये जो वॉकअप है हमारी, ये हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और फ्रेंड्स ये जो वॉकअप होती हैं स्टैंडर्ड वॉकअप हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आपका NDA, CDS, ये जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उसमें एंटोनियम और सिनोनियम के रूप्स में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस तरह से इनको लर्न कीजिए और ताकि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहें और कभी ना भूलें एग्ज़ाम टाइम में। इसलिए मैं आपको इस ट्रिक से आपको ये लर्न कराती रहूँगी बहुत सारी वॉकअप खेल खेल में। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी कोई बेनिफिट मिल सके इन वीडियो से। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स वी विल सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।